नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस यूपी ट्रिपल एससी की विशेष कक्षा कार्यक्रम में हम लोग संघ व्योम राज्य पर चर्चा करेंगे। आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार विभिन्न प्रकार के टॉपिक का अध्ययन करते रहिए। जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं जो है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, और इसके साथ में जो है आपको इम्पोर्टेंट लेक्चर भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जो है संघ एवं राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यह टॉपिक यद्यपि आपके जो सिलेबस में निर्धारित किया हुआ है, लेकिन विभिन्न प्रकार की वनडे परीक्षा के साथ साथ ये टॉपिक सिविल सेवा परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो संघ और राज्य के बारे में जो है हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा विस्तृत करते हुए जो है समझने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ से जो भी सवाल अगर पूछे जाए तो वो गलत ना हो जाए। हम लोग थोड़ा सा जो है भारत की जो है संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, और इसके बाद जो है उसके राज्य और समय समय पर राज्यों को बनाने के लिए पुनर्गठन के लिए जो आयोग और समितियां बनी है उसको भी हम लोग जो थोड़ा सा देखेंगे। तो भारत में जो है भाग एक और अनुसूची जब भारत में जो है भाग और अनुसूचियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता है संविधान के विभिन्न प्रावधानों को, तो इसमें जो है भाग और अनुसूची का भी नाम आता है। तो ये दोनों ही जो एक में है, संघियों उसके राज्य भाग एक में, अनुसूची एक, दोनों का ही जो है वर्णन अनुसूची एक और भाग एक में, क्योंकि प्रारंभ में ही संघियों उसके राज्यों के बारे में चर्चा कर दिया गया है। भारत में अगर देखा जाए तो पहले अनुच्छेद के अंतर्गत ही जो है कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत सेवर यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर जो है संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना अनुच्छेद आर्टिकल एक के माध्यम से, आर्टिकल एक के माध्यम से जो है यहाँ पे किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता बताई गई है उसमें फेडरल या संघ ना कह करके जो है यूनियन शब्द कहा गया है। भारतीय जो व्यवस्था वो संघात्मक है, वो अमेरिका की तर्ज पर जो है फेडरल नहीं कहा गया बल्कि भारत में यूनियन शब्द कहा गया है। तो यहाँ पर जो है संघात्मक शासन प्रणाली की जो व्यवस्था भी है वो कनाडा के जो संविधान से भारत में लिया गया है। तो ये भी सवाल कई बार जो है संविधान के स्रोत के बारे में पूछा जाता है, तो कनाडा से जो भारत में जो है संघात्मक शासन प्रणाली और व्यवस्था जो है ली गई है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है एक के अंतर्गत जो है किया गया है। इसी तरीके से हम दो तीन का भी जो है अध्ययन यहाँ पे आर्टिकल के रूप में कर लेंगे, आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन। इन दोनों में ही राज्यों के निर्माण की बात कही गई है। जब बाहरी भूभाग के आधार पर राज्य बनते हैं तो वह आर्टिकल दो में होते हैं, और जब राज्य भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो है किसी राज्य का जो है पुनर्निर्माण पुनर्गठन किया जाता है, जैसे कि दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिला करके या उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, तब वो जो है इसमें जो है आर्टिकल तीन के अंतर्गत जो है आता है। तो ये दोनों ही बातें एकदम क्लियर हैं, इसको समझने की जरूरत है। दो का मतलब पहले आ जाता है यानी कि ये बाहरी भाग से, और तीन थोड़ा सा अंदर आर्टिकल है तो ये भारत के आंतरिक भागों से है। थोड़ा सा याद करने का तरीका है, बाकी तो ये अलग अलग अनुच्छेद की अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर तीन आर्टिकल आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो और तीन, क्योंकि पहले में भी कहा गया है इंडिया दैट भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यहाँ से सवाल पूछे भी जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए दो और तीन इस रूप में हो गया। तो यहाँ पे जो नाम सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है आर्टिकल तीन के अंतर्गत, तो इससे संबंधित विधेयक को संसद में रखने से पहले, संसद के द्वारा इस तरीके के काम किए जाते हैं, ये काम कौन करता है, संसद के द्वारा किया जाता है। लेकिन संसद ऐसा करने से पूर्व जो है वो राष्ट्रपति के पास जो है उस विधेयक को भेजता है, उसकी पूर्व अनुमति से उसे प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने से पहले संबंधित राज्यों के भी जो है विधानमंडल से प्रस्ताव लेता है, वहां पे भेजता है कि उनकी क्या मत है, और एक निश्चित समय के अंतर्गत उन्हें इस पर अपना जो है मत देना होता है। यदि एक निश्चित समय में नहीं आता तो संसद के द्वारा पारित किया गया जो विधेयक मान्य हो जाता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के संसद को भी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है एकात्मकता की तरफ झुकाव वाला संघात्मक व्यवस्था के लक्षण को जो है दिया गया है। तो ये व्यवस्था भारत में जो है प्रारंभ की जो है संघात्मक रूप में जो है दिखाई पड़ती है। इसके साथ में जो है संघ की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे लिखित संविधान
संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। इसी तरीके से स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो है विशेषताएं जो है संघात्मक शासन प्रणाली की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर सारी बातें जो है संघात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य, वहां पे सरकार के जो दो प्रकार होते हैं, एक तो केंद्रीय व्यवस्था होती है और एक राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो इनके संबंध में जो भी बातें या जो भी सहमति होती है उसको एक लेख पत्र में जो है अंकित कर दिया जाता है, जो कि कानूनी दस्तावेज के रूप में संविधान कहलाता है। और दूसरा, यही संविधान की सर्वोच्चता होती है कि सभी अंग जो अपनी शक्तियां हैं वो संविधान के माध्यम से प्राप्त करेंगे, कोई भी व्यक्ति इसके नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। लेकिन अलग अलग हित होने के कारण कई बार इस तरीके की संभावनाएं होती हैं कि वहां हितों में टकराव होता है और लोग संविधान के जो सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होता है जो कि इन दोनों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाता है। तो कुल मिलाकर के संघात्मक शासन प्रणाली की ये मूल बिंदु है। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ जगहों पर दोहरी नागरिकता भी लगाई गई है, यद्यपि भारत में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये जो है लक्षण है, ये संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण। अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो थोड़ा सा विशिष्ट है। एक तो यूनियन शब्द प्रयोग में लाया गया है, जैसे अमेरिका में राज्यों की स्थिति भारत की अपेक्षा जो है मजबूत है, लेकिन भारत में जो है संघात्मक शासन प्रणाली की जो स्थापना केंद्र के द्वारा की गई है, लेकिन अमेरिका में जब देखा जाए तो वहां पर संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना राज्यों के द्वारा की गई है कि राज्य अपने विकास और सुरक्षा के लिए मिलकर के संघ बनाए हैं। लेकिन भारत में जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है यहाँ कानून बना करके संविधान के माध्यम से संघात्मक शासन प्रणाली बनाई गई कि भारत में राज्यों को भी अपने विकास के लिए अपने क्षेत्रीय विषयों के आधार पर शासन करने, अपने लोगों को विकास के मार्ग पर जो है आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ की क्षेत्रीय विशिष्टता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए किया गया है और संघ के केंद्र के द्वारा किया गया है, इसलिए राज्यों की स्थिति तुलनात्मक रूप से अगर अमेरिका का देखा जाए तो उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी इतने विषय दिए गए हैं कि सामान्य परिस्थिति में वह अपने देश के नागरिकों का विकास कर सकते हैं। तो ये बातें जो है भारतीय संघ के लिए रही हैं और इसी के कारण से, इस विशिष्टता के कारण से भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली में कुछ एकात्मकता के भी लक्षण आ गए हैं, कुछ जो है एकात्मकता के भी जो है लक्षण इसमें आ गए हैं। इसीलिए जो है केशवियर ने जो है इसे अर्धसंघ की व्यवस्था कह डाला था। अब इसमें जैसे राज्यपाल का पद है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है, तो ये व्यवस्था आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेनाएं, सशस्त्र सेनाओं की जो है उपस्थिति, ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो है भारत की संघात्मक व्यवस्था को एकात्मकता की तरफ झुका हुआ बना देते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में संसद के द्वारा, कई परिस्थितियां जिसमें राज्य के विषयों पर कानून भी बना सकता है, 249 में राज्यसभा को ऐसी पावर दिया गया है और 250 में जो है व्यवस्था दी गई आपातकाल के समय इस तरीके की बनाया जा सकता है, 252 में दो या दो से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन पर ऐसा किया जा सकता है, 253 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संधि है तो उसको लागू करने के लिए किया जा सकता है। तो ये कई कंडीशन है जिसमें संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। तो मेन पॉइंट यही है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, ये भी कहीं ना कहीं एक एकात्मकता की तरफ जो है झुकाव इसमें जो संविधान में पाया जाता है। तो ये सब लक्षण हैं, आपातकाल, राज्यपाल, इसी तरीके से अखिल भारतीय सेवाएं, सशस्त्र सेनाओं की उपस्थिति, संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाया गया कानून, ये सब एकात्मकता की तरफ लक्षण है। किंतु फिर भी भारतीय संविधान की जो भावना है वो संघात्मक ही है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रारंभ में भाग और अनुसूची है, ये भाग और अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल 123 आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद जो है हम संघात्मकता और एकात्मकता के जो लक्षण को भारतीय संविधान में जो है देखने का काम किए। अब हम राज्य पुनर्गठन पर देखेंगे जो कि संघ एवं राज्य के रूप में स्थापित करके जो डिजाइन किया गया है।
राज्य पुनर्गठन के लिए जो तीन महत्वपूर्ण जो समितियां बनी थी जो है फजल अली आयोग, तो ये जो है तीन प्रकार की जो है 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में और 1953 इसमें जो है भारत में राज्यों का निर्माण किस तरीके से किया जाए कि जिससे आसानी भी हो, जन भावनाओं को पूरा किया जा सके, उसके उद्देश्यों को, उसकी मांग को, और कोई समस्या भी ना आए, तो इसके लिए समय समय पर जो है स्वतंत्रता के बाद इसके धारा आयोग बनाया गया। हालांकि इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को स्वीकार नहीं किया, तो ये बस केवल इतना ही जानना आवश्यक है कि इसके आयोग जो है धारा आयोग बनाया गया था जो कि 1947 में था। JPP जवाहरलाल नेहरू, पट्टा सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, इनके 60 नामों के आधार पर बनाया गया JPP समिति कहा जाता है 1948 ईस्वी में। यद्यपि इसने भी भाषा के आधार पर तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा कि जनता की जन भावनाओं और मांग को जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो 1948 ईस्वी में जब यह रिपोर्ट आ गई, तो इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है, इस रिपोर्ट के आने के बाद व्यापक स्तर पर जो है दंगे होने लगे, कहाँ पे, तमिल और तेलुगु क्षेत्र में, दक्षिण भारत में। तो ऐसी स्थिति में जो है एक नेता थे वहां पे पट्टू रमल्लू, रामल्लू थे, इन्होंने जो है आंदोलन कर दिया और 53 दिन के आंदोलन के बाद, आमरण अनशन के बाद इनका जो निधन हो गया, इसलिए व्यापक दंगे होने लगे और 1953 ईस्वी में जो है भारत में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया। तो ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में। अब क्यों गठित किया गया उसकी आप सिचुएशन यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये गठन हो गया, लेकिन समस्या यही नहीं समाप्त हुई। अब सरकार के समक्ष ये समस्या थी कि क्या भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, नहीं। तो इस आधार पर जो है उन्होंने व्यापक रूप से इस पर विचार करने और अपनी जो रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यहाँ पर फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में उन्होंने कर डाला, और इसके आधार पर यह 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में इन्होंने मूल रूप से दो बातें कि राज्यों का जो वर्ग था ABCD, राज्यों के वर्गों को जो है इसने जो है समाप्त कर दिया, और 14 तथा जो है 6, इनके रिकमेंडेशन के आधार पर ये राज्य बनाए गए। 14 राज्य, 6 के शासित प्रदेश की बात इन्होंने का यहां पर बनाया गया। तो ये दो बातें यहां पर जो है मूल रूप से हैं, और इन्होंने भी राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक आवश्यकता, एक रूपता और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, जो वास्तव में जो है अगर देखा जाए तो लोगों की जरूरतें क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर होती हैं, तो इसलिए राज्य का गठन वहां पे होना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो राज्यों में, अगर उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है या राज्य में इस तरीके के भूभाग हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं और कुछ जो है मैदानी क्षेत्र हैं, तो वहां भी समस्या है। जैसे 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और उत्तरांचल जो कि 2006 ईस्वी में आकर के उत्तराखंड बन गया, का गठन किया गया। उत्तराखंड पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ की विशिष्ट समस्याएं हैं। तो प्रशासनिक समस्याएं और एकरूपता के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाने लगा। तो फजल अली आयोग का रिकमेंडेशन जो सबसे बाद में था 1953 ईस्वी में, 1955 में रिपोर्ट आया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और इसके आधार पर बनाई गई। तो तीन यहाँ पे जो है आयोग और समितियां, JPP, इधर आयोग हो गया JPP और फजल अली, इसको FKH भी कहा जाता है। देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, FKH फजल अली हो गए,
के.एम. पड़िक्कर हो गए, हृदयनाथ कुंदरू, ये दोनों लोग सदस्य थे, ये दोनों सदस्य थे। जैसे यहाँ जेपीपी को 60 में किया गया था, ये तो किताबों में नहीं मिलता, लेकिन हमने इसको बना दिया है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फजल अली आयोग में जो है, फजल अली तो इसके अध्यक्ष थे, और के.एम. पड़िक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू जो है ये दोनों सदस्य थे। तो इस पूरे आयोग का नाम यफ के यच आप रख दीजिए, यानी कि धर आयोग, जेपीबी आयोग और यफ के यच, ये दो है नाम आप याद रखिए। ये जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब यहां पे राज्यों का जो है समय समय पर जो है 1956 ईस्वी में जो है राजस्थान, 1956 ईस्वी में राजस्थान, 1960 ईस्वी में बॉम्बे का पुनर्गठन किया गया, और यहां पे जो है महाराष्ट्र, यूम, गुजरात राज्य जो है अस्तित्व में आते हैं। पहले इसका नाम बॉम्बे था और महाराष्ट्र गुजरात हो गया। 1963 ईस्वी में नागालैंड, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा भी गया, इसलिए इसको याद करना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरी 1966 ईस्वी में पंजाब का पुनर्गठन किया गया और हरियाणा आया अस्तित्व में। 1970 ईस्वी में प्रयास किया गया, 1971 ईस्वी में आकर के हिमाचल प्रदेश, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर के बना है, यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ पे 1969 यूम 1973 ईस्वी में क्रमशः जो है ये दक्षिण के दो क्षेत्र यानी कि मद्रास और मैसूर को तमिलनाडु यूम कर्नाटक में चेंज किया गया, यानी कि जो है इसका पुराना नाम पहले मद्रास था और अब बाद में इसे जो है वो क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। और इसी तरीके से मैसूर को जो है वो कर्नाटक कर दिया गया। तो ये इसका पुराना नाम है, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जो है ये मद्रास और मैसूर का ही नाम आता है, लेकिन बाद में इसे जो है बदल दिया गया, इसका नामकरण जो है चेंज कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। और 1971 ईस्वी में आकर के जो है तीन और राज्य बनते हैं, ये पूर्वोत्तर राज्य या क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 पारित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर तीन राज्य मणिपुर, मेघालय, यूम त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, यूम त्रिपुरा, इसे 60 में हमने जो है ममेती कहा था। अब ये आप नाम याद कर लेंगे 1973 ईस्वी में जो है ये तीनों नाम जो है आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और इसके बाद जो है सिक्किम, सिक्किम जो है वो 235वां और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 74 और 75 ये जो है पारित किया गया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 74 में और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी में, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, यहाँ ये सह राज्य का दर्जा दिया गया, यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यहाँ पे इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसलिए जो है 1975 ईस्वी में सिक्किम ये जो है भारत का 22वां राज्य बनता है, सिक्किम का 22वां राज्य। और इसी तरीके से 1986-87 में जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा का क्रमशः तीन राज्यों का यहां पे जो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और एक यहां पे और है मिजोरम,
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा का जो है 1986-87 के आसपास आकर के गठन होता है। ये राज्य जो है अपने अस्तित्व में आते हैं। यहाँ पर 1991 ईस्वी में ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली को संघ क्षेत्रों में विशेष एक दर्जा, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया, क्योंकि दिल्ली जो है राज्य था और यह जो है पूरे देश की एक राजधानी भी नई दिल्ली थी। तो ऐसी स्थिति में जो है दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से इसे नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया था। अब आते हैं हम 2000 में। सन 2000 ईस्वी में अगर देखा जाए तो तीन राज्यों का, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से, क्रमशः छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और बिहार से झारखंड अस्तित्व में आता है। यानी कि छत्तीसगढ़, यहाँ पे तीन राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। ये तीनों जो है 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को अस्तित्व में आते हैं। सन 2000 ईस्वी में ये तीनों का जो है गठन होता है। 2006 ईस्वी में इसका नामकरण चेंज कर दिया जाता है, उत्तरांचल का जो है उत्तराखंड कर दिया जाता है। और इसी समय जो है, इसी समय पांडिचेरी को पुडुचेरी भी जो है कह दिया गया, तो ये दोनों नाम का जो है यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2014 ईस्वी में आकर के आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और यहाँ पर जो है तेलंगाना राज्य जो है अस्तित्व में आता है। और तेलंगाना की राजधानी, सबसे रोचक बात यह है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही है और बाद में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती बनाई जाती है। यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान समय में अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो नई राजधानी इसलिए याद करने की इसको जो है जरूरत है। और 2000 ईस्वी में जो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए जो है संघ शासित प्रदेश आ गए। तो अभी तक जो है, जैसे यहाँ पे हमने ये बताया था क्या 22वां राज्य, ये 22वां राज्य था और ये 23वां, 24वां, 25वां राज्य हुआ। यहाँ पे तीन हुआ तो 26, 27, 28 राज्य हुए। यहाँ पर आकर के 29 राज्य, तो ये टोटल कितने हो गए थे, 29 राज्य हो गए थे 2014 में जब तेलंगाना का जो है गठन हुआ, तो 29 राज्य हो गए थे। और यहाँ पे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब जब 2019 में आकर के इसका पुनर्गठन किया गया और इसे राज्य का दर्जा हटा करके संघ शासित कर दिया गया, तो इसमें +2 हो गया और इसमें से -1 हो गया। यानी कि ये 28 और प्लस जो है ये 9 हो गए। लेकिन अभी हाल में है ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों जो है संघ शासित क्षेत्रों को मिला दिया गया। अब वर्तमान में जो है 28 प्लस 8 जो है संघ शासित क्षेत्र हैं जो कि वर्तमान में हैं। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि काफी परिवर्तन किया गया है, तो यहाँ से सवाल परीक्षा में ये जो है पूछे भी जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है संघ क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया। इसी में एक क्षेत्रीय परिषद भी आता है जिसका 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जो है अगला भाग माना जाता है। इसमें गृह मंत्री जो है अध्यक्ष होते हैं। बस इतना ध्यान में रखना आवश्यक है कि क्षेत्रीय परिषदें जो है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसके जो है स्थापना हुई। पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और इन क्षेत्रीय परिषदों की जो अध्यक्षता है वो गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद की भी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। अंतर राज्य परिषद की स्थापना 1990 ईस्वी में। तो तीन परिषदों के बारे में, क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद और अंतर राज्य परिषद 1990 ईस्वी में बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इतना इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जो चर्चा किया और ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका अध्ययन कीजिए क्योंकि आने वाले समय में हर परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में जल्द ही हम जो है कुछ महत्वपूर्ण और टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। आपका परीक्षा की डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है, तो निश्चित तौर पर उसको ध्यान में रखते हुए आपके पास समय मिल गया है, अपनी क्षमता का समय सकते और संसाधन का और भी बेहतर ढंग से उपयोग में ला दिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।